हेलो फ्रेंड्स, ये जो है नेट जून 2018 का सेट बी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 23 ये सोल्व करना है, ठीक है। इसमें क्या रखा है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूव्स विद रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड वी बट इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन फ्रॉम द रेस्ट फ्रेम ऑफ बी इज, ठीक है। तो इसमें क्या रखा है अपने को कि दो पार्टिकल दे रखे हैं, एक मैं मान लेता हूँ ए और एक मान लेता हूँ बी। अब इसने क्या रखा है कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और सेम स्पीड वी, इन्हें क्या रखा है ना, वेलोसिटी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड वी। तो वी मैंने मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ले ली एंड इन अपोजिट डायरेक्शंस, तो अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है। ये मैंने ले ली एक्स एक्सिस, ठीक। अब इसने कह रखा है कि अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अलोंग जो मतलब उसके विद रिस्पेक्ट जो है इनकी वेलोसिटीज दे रखी है अपने। तो मैं मान लेता हूँ एक ग्राउंड ट्रीट करता हूँ, मतलब एक ऑब्जर्वर है, जैसे मान लेता मैं ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इसे मैं ग्राउंड कर देता हूँ, ग्राउंड पर है ये, ठीक है। तो अब ये ऑब्जर्वर जो है ग्राउंड पे है, ये ऑब्जर्व कर रहा है कि ए पार्टिकल जो है वी वेलोसिटी से अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहा है और बी पार्टिकल वी वेलोसिटी से अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, ठीक है। तो वी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, वी आई कैप। वी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, माइनस का वी आई कैप, ठीक है। अब अपने पास एक ये फार्मूला होता है ये रिलेटिव वेलोसिटी का, वी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी ए विद रिस्पेक्ट टू अदर फ्रेम सी। मतलब मैं कोई इनर्शियल फ्रेम, जैसे मैंने वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, ठीक है। इसके लिए मैं एक अदर इनर्शियल फ्रेम मानूंगा सी, ठीक है। और मैं मेरे को क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी पता होना चाहिए, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम पता होना चाहिए, और वन माइनस वी ए सी वी बी सी ओवर सी स्क्वेयर। ये अपने पास एक फार्मूला होता है वेयर सी इज द अदर, अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू विच वेलोसिटीज आर गिवन। तो यहाँ पे सी का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे सी इक्विवेलेंट है ग्राउंड के, जो ये इसने दे रखा है एक्सिस ऑफ एन इनर्शियल फ्रेम। यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम कौन सा है, ग्राउंड है, ठीक है। मतलब मैंने ट्रीट कर लिया कि ये इनर्शियल फ्रेम ग्राउंड है और इसे सी कह लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे अभी से फार्मूले में पुट कर दूंगा मैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा वी ए जी माइनस वी बी जी ओवर वन माइनस वी ए जी बी जी ओवर सी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आ जाएगा वी माइनस ऑफ माइनस का वी आई कैप ओवर वन माइनस वी आई कैप माइनस का वी आई कैप ओवर सी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आ जाएगा वन प्लस वी बाय वन प्लस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर आई कैप, क्या रहेगा टू वी ओवर वन प्लस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। ये अपना रिक्वायर्ड आंसर आ गया वी ऑफ ए। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी।
और मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी वी ए बी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। और रेस्ट फ्रेम ऑफ बी, ठीक है। तो ये अपने पास रिलेटिव वेलोसिटी निकल गई और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकल है, ठीक है। ये अपना रिक्वायर्ड आंसर है, तो ये अपना बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।